नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज। मैं सुरभि आनंद लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरों को। बॉलीवुड फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपने ट्वीट को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हां, राम गोपाल वर्मा एक बार फिर से अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। यहां तक कि उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो गई है। पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताएंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर उन्होंने एक विवादास्पद ट्वीट किया है। हालांकि इस मामले के बढ़ने पर राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट में अपनी सफाई भी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अगर द्रौपदी राष्ट्रपति है तो पांडव कौन है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कौरव कौन है। राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू किया। वहीं अगर बात करें भाजपा नेताओं की, तो उन्होंने इस ट्वीट पर अपनी नाराजगी जताई है। भाजपा नेताओं ने हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में राम गोपाल वर्मा के खिलाफ शिकायत तक दर्ज कर दी है। उनका कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की है। पुलिस ने भी इसकी शिकायत को कानूनी सलाह के लिए भेजा है। कानूनी सलाह मिलने के बाद शिकायत दर्ज करेंगे। इस तरह से मामला को बढ़ते हुए देखकर राम गोपाल वर्मा ने एक अन्य ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा, यह पूरी ईमानदारी से विडंबना के तौर पर कहा गया है और इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। द्रौपदी महाभारत में मेरी प्रिय किरदार है। चूंकि ये नाम बहुत ही रेयर है, मुझे इससे जुड़े किरदार याद आ गए और मैंने यही जताया, किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल राम गोपाल वर्मा ने यूं ही इस ट्वीट को लिख दिया होगा, पर सोचने की बात यह है कि जब द्रौपदी मुर्मू, जो एक बड़ा नाम राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है, और ऐसे समय में उनके लिए इस तरह का ट्वीट यकीनन सोचने की बात है। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है आप हमें जरूर बताएं, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।